हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब क्या कभी आपने व्हाइट कपड़ों के ऊपर से इंक का दाग हटाया है अगर नहीं हटाया है तो चलिए आज हो जाइए तैयार क्योंकि आज हम व्हाइट कपड़े के ऊपर से स्याही का दाग हटाने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा बर्तन धोने को लेकर पीतल के होते हैं तांबे के बर्तन होते हैं चांदी के बर्तन होते हैं तो आप इससे ना आप कोई भी मटेरियल के बर्तन को क्लीन कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें एक बोल लेना है और उसमें डालना है इस तरीके का सैट्रिक एसिड ये छोटा छोटा चीनी के दाने जैसा होता है आपको ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जितने बर्तन हैं आप उतनी क्वांटिटी लीजिए पानी का और उसमें डालिए दो छोटी चम्मच भर के नींबू का सत इसे ढोकला भी बनाते हैं हम और इसे क्लीनिंग में भी, भी यूज करते हैं बहुत सारी चीज़ों में आप इसे यूज कर सकते हैं एक खट्टा है नींबू के जो होते हैं ना उसी तरीके से नींबू जहाँ यूज करते हैं वहाँ आप इस, इसे यूज कर सकते हैं छेना बनाने के लिए भी यूज करते हैं जैसे दूध को फाड़ना हो तो बस इसे डाल के अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और देखिए इस पानी को जैसे ही हम बर्तन अगर जो भी गंदी बर्तन है आप पानी को टच करेंगे क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बस जो भी आपके गंदे बर्तन है इसमें इस तरीके से डाल दीजिए अगर ज़्यादा गंदे हैं तो आपको डाल के थोड़ी देर रखनी होगी नहीं तो ये थोड़ा बस जैसे ही आप हाथों को थोड़ा सा रब करेंगे ना क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये मेरे पास छोटा सा तांबे का लोटा है मैं ये क्लीन करके दिखा रही हूँ आप पीतल के भी इसे क्लीन कर सकते हैं चांदी के बर्तन भी इसे क्लीन कर सकते हैं तो ये है एक जादुई पानी जिससे आप पूजा के बर्तन अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास तांबे का जग है उसका ढक्कन है मैं वो क्लीन करके दिखा रही हूँ देखिए अच्छे से क्लीन हो जा रहा है आप इसके अलावा अगर चिकनाहट है बर्तन में जैसे हम पूजा का बर्तन होता है उसमें घी लगी होती है चिकनाहट होती है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिक्विड सोप जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपको यूज करना होगा तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट है कि हमारा अगर हाथ पाँव पे कहीं भी आपके पेन के निशान हो जाए तो उसे कैसे दूर करें अगर कहीं आप शादी ब्याह में जाने वाला हाथों के ऊपर पेन चला हो कैसे क्लीन करें वो आपको साथ शेयर कर रही तो अगर कहीं भी पेन का निशान हो आपके बॉडी में कहीं भी अचानक से इस, इस तरीके से निशान पड़ जाए तो इसे कैसे क्लीन करें आप पानी से धोएंगे ये नहीं निकलेगा चाहे आप जितना भी इसके ऊपर लिक्विड साबुन या कोई भी आप चीज़ यूज़ करें ये नहीं निकलेगा आप करके देखिएगा कभी भी नहीं निकलता है मैं बहुत अच्छा सोल्यूशन बता रही हूँ जिससे आप इसे निशान को फटाफट क्लीन कर सकते हैं तो आपको क्या करना है लेना है कोई भी स्प्रे जो आपके पास हो आप ले लीजिए और हमें इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रे करना है ये देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही करेंगे इसे क्या होगा ना आसानी से निकल जाएगा फिर आपको कपड़ा से पोछ लेना है कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिए और आप उससे पूछ लीजिए बस इसे इस तरीके से हमें क्लीन कर लेना है थोड़ा अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि जो स्प्रे है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मैंने ज़्यादा डाला है तो ये तो रहा कि आपके बॉडी पे कहीं भी हो तो आप निकाल सकते हैं और एक और है, अगर कपड़े के ऊपर हो तो ये निकलेगा या नहीं वो भी मैं आपको बताती हूँ तो चलिए देख लेते हैं वो भी तो यहाँ पर देखिए मैंने वाइट कपड़ा लिया है ये बच्चों के स्कूल का यूनिफॉर्म है तो इसके ऊपर मैं ना थोड़ा सा आपको चला के दिखाती हूँ ये देखिए मैंने एक छोटा सा डॉट किया है और इसे कैसे क्लीन करेंगे बस हमें स्प्रे लेना है और इसके ऊपर मार देना है इस तरीके से बस और इसे हमें पोछ देना है जैसे ये थोड़ा थोड़ा सूखता जाएगा ये हल्का होता जाएगा फिर आप इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे कोई भी सोप या सरफ से ये आसानी से छूट जाएगा मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी, पूरा वाइट जैसा पहले था ना वैसा हो जाएगा अब देख सकते हैं ये हल्का होने लगा है बट आपको ये परफ्यूम जो है ना बहुत जल्दी सूख जाता है ड्राई हो जाता है तो आपको दो से तीन बार इसके ऊपर स्प्रे इस मारनी पड़ेगी तब जाके ये निकलेगा इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत बट आपको कहीं भी दाग अगर इस तरीके का इंक का स्याही का दाग लग जाता है तो आप क्लीन कर सकते हैं देखिए लाइट हो गया बस इसे वॉश करेंगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा क्योंकि बच्चों का स्कूल यूनिफॉर्म जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि लग जाता है इंक कहीं पेन चल जाते हैं तो वहाँ पर आप इसे फॉलो करके देखिए आपके जो स्याही का दाग है वो निकल जाएगा और पूरा जो कपड़ा है पहले जैसा वाइट हो जाएगा और ये देखिए पूरा जो इंक है वो पूरा निकल चुका है और इसे धोने के बाद धूप में सुखाएंगे तो और जल्दी उड़ जाएगा जो बाकी बचा हुआ है तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों के ऊपर से दाग हटा सकते हैं अगर आप परफ्यूम नहीं यूज़ करना चाहते तो वहाँ पर आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं सैनिटाइजर से भी आप स्याही का दाग आसानी से हटा सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पे जो स्प्रे सैनिटाइजर होता है वो लिया है और ये मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया ये देखिए आसानी से निकल गया जैसे हमने स्प्रे किया और फटाफट पोज दिया ये निकल गया कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा नेक्स्ट है क्या हमारा सब्जियों को लेकर सब्जियों को कैसे स्टोर करके रखे चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे स्टोर करें हमें एक बार में पूरा तो नहीं बना पाते हैं कभी कभी क्या होता है ना जब थोड़ी सी सब्जी बनानी हो तो हम क्या करते हैं इसे कट करते हैं इस तरीके से कट किया और फिर हम इसे इसी तरीके से फ्रिज में स्टोर करते हैं तो ये ऊपर का जो पार्ट है ना, पूरा ब्लैक हो जाता है सिकुड़ जाता है सूख जाता है तो इसके लिए आप क्या करें बहुत ही सिंपल ट्रिक है आपको क्या करना है सिल्वर फॉल लेना इस तरीके से और हमें इस तरीके से कवर कर देना है फर्स्ट ये कवर हो गया आप आसानी से इसे फ्रिज में रखिए बिल्कुल ख़राब नहीं होगा जब भी आपको बनाना हो आप वापस इसे कट करें फिर वापस इसे कवर करके ही फ्रिज में रखें इससे क्या होगा लंबे टाइम तक ये अंदर से सूखेगा नहीं और बिल्कुल सही रहेगा बहुत ही काम की ट्रिक है आप एक बार इसे फॉलो करके ज़रूर देखिएगा पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा एक और तरीका है अगर आप सिल्वर फॉल नहीं लगाना चाहते तो आपको क्या करना है इस तरीके से इसके ऊपर एक नींबू का टुकड़ा लेना है और इसके ऊपर अच्छी तरीके से रब कर देना है अच्छी तरीके से लगा देंगे चारों तरफ फिर हमें लेना है इस तरीके की पोलिथीन और इसे अच्छी तरीके से कवर कर देना और इसके ऊपर आप चाहे तो रबड़ लगा सकते हैं इस तरीके से मैं तो यहाँ पर ये फॉल पेपर लगा दे रही हूँ इससे भी ये सही रहेगा तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वो फॉलो कीजिए और अपने सब्जियों को इस तरीके से लंबे टाइम तक सूखने से बचा सकते हैं मूंगफली सभी के घरों में होता है सभी यूज़ करते हैं पर लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते हैं क्या हो जाता है कुछ दिनों आप इसको डब्बे में डाल के रखिए अगर आपने फ्रिज में रखा है तो बहुत अच्छी बात है अगर बाहर रखा है किचन में तो उसमें कीड़े लग जाते हैं तो फिर वो बेकार हो जाता है फिर तो हम खा भी नहीं सकते उसे फेंकना ही पड़ता है तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है आप एक बार फॉलो करके देखिएगा आप मूंगफली को बिना फ्रिज के बाहर लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस तरीके से आप मूंगफली को थोड़ी देर सेक के फिर आप स्टोर करेंगे ना तो कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे हमें इतना सेकना है कि इसके जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए अभी ये सॉफ्ट है देखिए हम इसे आसानी से दबा सकते हैं इसके छिलके भी नहीं निकल रहे तो आपको थोड़ी देर इसे सेक लेना है ताकि इसका मॉइस्चर है ना वो सूख जाए फिर आप इसे लंबे समय तक आसानी से बिना फ्रिज के स्टोर करके रख सकते हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसे दो से तीन मिनट कम आज पे हमें सेक लेना है अच्छी तरीके से और ये देखिए मूंगफली हमारी सीख चुकी है अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं इसमें क्रैक आने आने लगे हैं मैंने इसे थोड़ा सा ही सेका है आप चाहे तो ज्यादा तो भी सेक सकते हैं और ये देखिए इस तरीके से क्रैक आने लगे और ये छिलके भी आसानी से निकल जा रहे हैं ये मूंगफल इतनी सीख चुकी है इसमें कीड़े कभी भी नहीं लगेंगे आप चाहे तो इसे एक महीना स्टोर करें दो महीना स्टोर करें बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इसे कैसे स्टोर करें जब ये ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से उसके बाद ही आप डब्बे में रखें गर्म गर्म नहीं रखें तो इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें उसके बाद किसी भी साफ डब्बे में भर के इसे रख लीजिए नेक्स्ट है लहसुन को लेकर लहसुन छिलना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है आप अगर इसे छीलना चाहते हैं बहुत सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ कि अगर आपको ढेर सारा लहसुन छीलना हो तो आप क्या करें बहुत ही सिंपल सा है ना आपके नाखून में ज्यादा दर्द होंगे और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी तो चलिए देख लेते हैं तो हमें क्या करना है सबसे पहले हमें एक बर्तन लेना है और उसमें ले लेना है पानी आप चाहे तो इसे गर्म पानी, पानी भी ले सकते हैं ठंडा पानी भी ले सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन जितना आपको छीलना है आप उस हिसाब से इसमें डाल दीजिए और आपको अगर जल्दी है तो आप इसे थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए या फिर पूरा उबला हुआ पानी ले लीजिए और उसमें लहसुन डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये सॉफ्ट हो जाएगा फिर आप इसे आसानी से इसके छिलके निकाल सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा ही लिया अगर आपको ज़्यादा जरूरत है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं बस इसे दस से पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये फूल जाए सॉफ्ट हो जाए अभी तो बहुत ही सूखा सूखा है बट थोड़ी देर आपको छोड़ना पड़ेगा उसके बाद इसकी छिलके आप आसानी से निकाल सकते हैं चलिए मैं आपको दिखाऊंगी करके भी तो देखिए थोड़ी देर हो चुके हैं और ये सॉफ्ट हो चुका है मैं आपको करके भी दिखाती हूँ इस तरीके से देखिए आसानी से यहाँ पर आप चाहे तो चाकू का यूज़ कर सकते हैं नहीं तो बिना चाकू के भी आसानी से आप इसे छिलके निकाल लेंगे और इसे क्या है ना आप थोड़ी देर पानी में भिगा के रख दीजिए और जहाँ आप अगर फ़ैन के नीचे बैठ जाए आसानी से आप इसे छील सकते हैं निकाल सकते हैं इसके छिलके और जो इसके छिलके हैं ना वो आप इस पानी में डाल सकते हैं वो उड़ेंगे भी नहीं अभी क्या होता है ना गर्मी का दिन है किचन में खड़ा होगा इतना देर काम तो नहीं किया जाता है बट सोचे थोड़ी देर फैन चला ले या फैन के नीचे बैठ जाए तो इसके जो छिलके ना वो उड़ने लगते हैं तो अगर आपको प्याज लहसुन जो भी छिलना है इस तरीके से पानी में थोड़ी देर डिप करके रख दे फिर उसके बाद छिलके निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे और जो छिलके इधर उधर फैलेंगे नहीं घर में गंदगी फैलेगी भी नहीं तो बहुत सिंपल सा है लेकिन काम का है उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा तो लहसुन को छील लीजिए और डब्बे में भर के फ्रिज में रखिए जब भी आप कुछ बनाना है आप फटाफट निकालें और बनाएं और यहाँ पे चटपटा सा पराठा बनाएंगे तो उसके लिए मैंने कढ़ाई लिया है तेल डाला उसमें जीरा डाला हरी मिर्च डाला है लहसुन डाला कड़ी पत्ता डाला इन सबको डाल के थोड़ा सा हमें रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा ये ब्राउन कलर हो जाए हमें इतना इसे भून लेना है और देखिए मैंने इसे थोड़ा सा भून लिया है और इसे जब जब लहसुन थोड़ा सा भून जाए तभी इसमें हम चने डालेंगे तो यहाँ पर मैंने जो भुना हुआ चना होता है ना रोस्ट किया हुआ वो मैंने लिया है और उसके छिलके निकाल लिए हैं और भुने हुए चने डालने के बाद हमें थोड़ा सा इसे मिक्स करते हुए भून लेना है अच्छी तरीके से लहसुन को भूनना ज़्यादा जरूरी है उसका कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है नहीं तो कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा और तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालिए कि लहसुन अच्छे से उसमें चटके और थोड़ा सा ब्राउन कलर होने तक इसे भून लीजिए और भूनने के बाद हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है और निकालने के बाद इसे ठंडा होने देना है अच्छी तरीके से जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप पीस के इसका पाउडर बना लें पानी नहीं ऐड करना है हमें पाउडर बना के तैयार करना है तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है चलिए इसे ठंडा करके पीस भी लेते हैं और इसी के साथ इसमें हम नमक थोड़ा सा जैसा आपको स्वाद जैसा आपको जितना नमक चाहिए और थोड़ा सा चाट मसाला आप चाहें तो मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और ये हमारा पाउडर हो गया है तैयार अब मैंने नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठा के लिए आटा लगा के तैयार करते हैं उसी तरीके से आटा लगा लिया और एक रोटी बेल लेंगे और उसके ऊपर तेल लगाएंगे तेल हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं बटर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हमें अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है और इसे हमें रोल कर लेना आप चाहे तो इसे लड्डू जैसा बना के बेल भी सकते हैं पर इसे रोल करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा तो मैंने रोल कर लिया थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे इस तरीके से हमें बंद कर देना है और इसे बेल लेना है और बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर स्टफिंग निकल निकलने का डर है तो तेल थोड़ा ज़्यादा लगाइए और निकलेंगे नहीं अब इसे हमें पराठे को गर्म तवे के ऊपर डालना है और अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है तो देखिए एक तरफ से ये पक चुका है दूसरी तरफ से पलट देते हैं अब घी बटर जो आपको पसंद हो इसके ऊपर लगाइए और दबा दबा के इसे सेक लीजिए और ये क्रिस्पी सा करारा सा पराठा बन के हो गया है तैयार इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो पसंद आए तो उतना हो सके तो शेयर करें आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय बाय